लेट वर्क डन बाई इतना मैन, मतलब इतना मैन बोला गया, मतलब ये हमारा नंबर है, संख्या है, मतलब क्या बोला है कि 3n+1 हमारा क्या है, संख्या है मैन का, जो कि करने में से कितना दिन लग रहा है, तो मैन अप गुना आदमी की संख्या m गुना d करते हैं, mdh वाली फॉर्मूला यही होता है ना, m इंटू डी, मतलब m d का दिन में काम कर रहा है, उतना दिन में कंप्लीट हो रहा है, आगे चल रहे हैं, उसे करने में क्या बोल रहा है, x कार्य कर रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है कि लेट वर्क डन बाय इतना मैन इन इतना डेज बी x, मतलब इतने दिन में इतना काम करने में से x डे समय लग रहा है, x डे काम कर रहा है इतने दिन में, लेट वर्क डन बाय इतना मैन, मतलब इतना आदमी काम करने में, 3m-1 आदमी काम करने में इतना दिन में उसे कितना काम कर रहा है, वो टोटल x डे काम कर रहा है, उधर साइड क्या बोला गया है, 3m+1, ठीक है, आदमी है कितने दिन में काम कर रहा है, 4n+-3 दिन में काम करते हुए y डे में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, y काम कंप्लीट कर रहा है, ध्यान दे रहे हैं, ये x काम कंप्लीट कर रहा है, ये y काम कंप्लीट कर रहा है, मतलब मान लीजिए हो सकता है ये 4 काम कर रहा होगा, ये 5 काम कर रहा होगा, तो वर्क को हम लोग नीचे लिखते हैं, ध्यान दे रहे हैं, वर्क को हम लोग नीचे लिखते हैं, mdh वाले फॉर्मूला यही होते हैं ना, m1 d1 h1 बटा क्या होता है w1, वर्क हमारा नीचे, m2 d2 h2 बाई क्या होता है w2, यही होता है ना, m1 into d1 की है बाई w1, m2 into d2 by w2, दोनों क्या करेंगे आपस में बराबर कर देंगे, ऐसे बराबर कर दिए, आगे क्या बोला गया, आगे दिया गया x और y का रेशियो दिया गया, x बराबर हम लोग क्या दिया गया 6, तो x को हम लोग 6 मान लेते हैं, y को हम लोग क्या करते हैं 11 कर देते हैं, ऐसा कर दिए, आगे क्या बोला गया n का वैल्यू निकालें, n हमारा कितना होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे सॉल्व कर लें, सॉल्व करेंगे काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, क्या करना है, अगर हम सोल्व करेंगे तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो हम लोग सोल्व ना करके हम लोग वैल्यू पुट करने की कोशिश करेंगे, जो ऑप्शन में दिया गया है ना, ऑप्शन के अनुसार हम लोग वैल्यू पुट करने की कोशिश करेंगे, अब ध्यान दे रहे हैं ऑप्शन एक से शुरू करेंगे, ठीक है, तो अगर ऑप्शन ए में देखें क्या दिया गया है 7, क्या करेंगे 7 रख के देखते हैं, ठीक है, अगर 7 रखेंगे तो ध्यान दे रहे हैं यहाँ कितना हो जाएगा, 7 * 21 - 2 मतलब क्या हो गया 20 हो गया, 20, ठीक है, ये हमारा जो 11 है इसमें गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा हमारा, इसको हम लोग इस तरह से पहले लिख देते हैं, 11 को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और 6 को इधर कर देंगे, क्या ये हमारा 20 हो गया गुना, यहाँ क्या देगा 7 × n को हम लोग 7 माने थे ना, 7 × 14 = 15 हो गया कि नहीं हो गया, बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 6 × 6 पहले लिख लिए, यहाँ क्या हो जाएगा 7 * 21 = 22 गुना क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ देखा 7 * 28 - 3 = 25 होगा, समझ में आ रहा है, 11 × 20 × 15 बराबर क्या होगा 6 × 22 × 25, इसको करने में आसान होगा, गुना कर लेंगे क्या हो जाएगा हमारा, ये 15 × 30 क्या हो गया 15 × 30 30 और 11 गुना करेंगे 33 0 10 और हो जाएगा हमारा, क्योंकि 10 यहाँ बचा हुआ है, ठीक है, ध्यान दे रहे हैं 15 × 30 क्या हो जाएगा 15 × 2 = 30, ठीक है, यहाँ हो गया हमारा 300 हो गया, 300 गुना किए 11 से, तो 11 × 3 = 33 बराबर क्या देगा, गुना कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं क्या जगह 25 × 50 ध्यान दे रहे हैं, सॉरी 25 × 150 ध्यान दे रहे हैं 25 × 150 हो गया, 150 क्या करेंगे 22 से गुना करेंगे, तो 150 का मतलब 15 × 22 कर लेते हैं, 150 है ना हमारा, ध्यान दे रहे हैं 150 × 22 कर रहे हैं, तो क्या करते हैं 15 × 22 करते हैं 0 गुना 15 × 2 क्या जगह 30 और 15 × 2 = 30 और 3 क्या जगह 33 अब पर 10 और रखिए मतलब क्या ये दोनों बराबर हो गया, करने का मतलब क्या देगा कि n का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यही हमारा पहला ही मैच कर गया, तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है,